24 न्यूज वक्त है अभी की ताजा खबरों का। उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनावों के नतीजों ने योगी आदित्यनाथ को पहली परीक्षा में अव्वल ला दिया है। यूपी के 16 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी और 2 पर बीएसपी की जीत हासिल हुई है। नगर पालिकाओं में भी बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई है। निकाय चुनाव में मायावती तो 2 सीटें जीत गईं, लेकिन समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। पीएम मोदी बोले, चारों तरफ से मिल रहे हैं अच्छे समाचार, अब गुजरात से इंतजार। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत और दूसरी तिमाही के बेहतर जीडीपी आंकड़ों से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि चारों तरफ से अच्छे समाचार मिल रहे हैं, अब गुजरात से अच्छे समाचार मिलने का इंतजार है। विभिन्न पक्षों की आलोचना के बावजूद भारत पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। जिंदा बच्चे को मुर्दा बताकर मैक्स हॉस्पिटल ने किया पार्सल। दिल्ली के जाने माने मैक्स हॉस्पिटल ने एक जिंदा बच्चे को मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन जब बच्चों की लाश को ले जाया जा रहा था तभी पैकेज के अंदर हलचल महसूस की गई। यह देख बच्चे को तुरंत दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि बच्चा जिंदा है। इसके बाद परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मायावती बोली, ईवीएम से छेड़छाड़ ना होती तो और जीतते। मायावती ने कहा कि बीजेपी की ओर से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीएसपी नंबर 2 पर रही है। निकाय चुनाव में भी बीजेपी पर ईवीएम ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं करती तो हमारे और भी मेयर जीतते और सीटें भी ज्यादा मिलती। अंतिम टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीत चुनी बल्लेबाजी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त ले चुकी भारतीय टीम ने अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी का फैसला लिया है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए M24 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।